अग्रवाल साहब तक आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर चल रही थी, अभी बात हो रही थी कहीं के बच्चों के बीच में ड्रग्स की बात कर रहे थे, बच्चों के अपने संवेदना की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि एक मेंटल प्रेशर भी उन बच्चों को ड्रग्स की ओर ले जाता है, या फिर माँ बाप का जो प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, दूसरे बच्चों के मार्क्स बढ़ने का प्रेशर है, क्या ये भी उनको आत्महत्या की ओर खींचता है क्या? जहाँ तक हम आत्महत्या की बात करें तो जैसे गोदारा साहब ने बताया कि ये केवल स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, ये नेशनल एवरेज में देखा जाए जी, 2013 की रिपोर्ट हम क्राइम ब्यूरो की देखें तो 10.4 डेथ्स 1 लाख के ऊपर नेशनल एवरेज है, तो यहाँ भी 1.5 लाख बच्चे हैं और उनमें भी इस तरह की संभावना होती रहती है, होने की संभावना रहती है। आत्महत्या के जहाँ कारणों की बात किया जाए तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये केवल कोचिंग का स्ट्रेस है या पढ़ाई का स्ट्रेस है उसकी वजह से आत्महत्या होती है। आत्महत्या जो होती है उसके WHO के जो कारण हम देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है 80% जो आत्महत्याएं होती हैं वो मानसिक रोगों की वजह से, मानसिक विकार की वजह से होती हैं, और उनको यदि समय पर डायग्नोसिस करके सही इलाज दिया जाए तो उनको रोका जा सकता है। उसमें भी नहीं, एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, बहुत तरीके से पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, हाँ जी, और वो बच्चा इमीडिएटली अपने आप को सुसाइड की ओर कहीं परिवर्तित कर लेता है। मैं बताने जा रहा हूँ, ये मानसिक विकार कहाँ से हुआ? मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अच्छा खासा पढ़ रहा है, मैं कारण बता रहा था आपको, मानसिक विकारों में सबसे बड़ा किलर होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन जो होता है उसकी वजह से आत्महत्या करते हैं, और यदि डिप्रेशन को दबाने के लिए कोई नशे का या अल्कोहल का सेवन किया तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डिप्रेशन की बात जहाँ करते हैं, हम अक्सर ये समझते हैं कि डिप्रेशन हालात की वजह से होता है, पढ़ाई के तनाव की वजह से हो गया, घर वालों की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी हेल्पलाइन में पिछले महीने 3 ऐसे केस हमने जो उसी रोज आत्महत्या करने जा रहे थे उनको बचाया, और उन सबके अंदर एक में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, एक में बाइपोलर डिप्रेशन था, और उन घर वालों को बुला के एक में OCD की वजह से डिप्रेशन हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको भी हमें लुकआउट नहीं करना चाहिए, ये विश्व लेवल की स्टडी के आधार पे हैं। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ तक और कारण है कि इस टीन एज में बच्चे यहाँ आते हैं और उस बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेज आते हैं, सेक्सुअल चेंजेज आते हैं, फिजिकल चेंजेज आते हैं, और उन वो जो सेक्सुअल चेंजेज हार्मोनल चेंजेज होते हैं उनको शेयर करने को कोई नहीं होता, सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ होता नहीं, और वो धीरे धीरे जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसको एबनॉर्मल समझने लग जाते हैं, और उसकी वजह से डिप्रेशन में चल जाते हैं और धीरे धीरे आत्महत्या की और अग्रसर हो जाते हैं। गोदारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।